हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जैन जी मम्मीज किचन में। आज हम बनाएंगे उड़ीसा की फेमस मिठाई छेनापोड़ा। छेनापोड़ा बनाने के लिए मैंने 2 लीटर गाय का दूध ले ली है, थोड़ा मलाई वाला, तो हमारा छेना अच्छा मोटा बनेगा। फटाने के लिए मैंने 2 नींबू ले ली, 2 डेढ़ ही लगेगा। थोड़ा गर्म होगा तभी हम फटाएंगे। अभी मैं नींबू काट लेती हूँ। अब दूध गर्म हो गया, अब हम इसको फटाएंगे। आप विनेगर से भी फटा सकते हो। मैं नींबू का रस ली हूँ, धीरे धीरे करके डालेंगे। ये देखिए दूध फटकर छेना बन गया। अब हम इसको छान लेंगे, पानी पूरे निथार लेंगे, फिर हम बनाएंगे। आराम से करना है, गरम रहता है पानी ना, हमें आराम से डालना पड़ेगा। गाढ़ा दूध का है तो देखो कितना सारा छेना निकला है। ये देखिए पानी पूरा निथर गया और हमें गरम गरम ही गूंथना है। हमारा छेना तैयार हो गया। हम इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल के शक्कर के घोलते तक गूंथ लेंगे। गरम गरम ही गूंथना है तभी हमारा शक्कर घुलेगा। ऐसे ही गूंथना है हमें हल्के हाथों से। 2 चम्मच हम सूजी लेंगे। अगर आपको सूजी नहीं डालना है तो मत डालिए। इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, सबको गूंथ लेंगे। थोड़ा सा अच्छे से हम गूंथ लेंगे। ये देखो डो तैयार हो गया। अब इसको हम बेक करने के लिए पॉट लेते हैं। हम पॉट के नीचे घी लगा लेंगे। पत्ती, मैं पान की पत्ती लगा रही हूँ, इससे हमारे छेना में खुशबू मस्त आएगा, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। अब हम इस डो को डाल देंगे ऐसे। हमने कढ़ाई 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दी है। अब हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। इतना नमक काफ़ी है। स्टैंड रख दिए। छेना को रख दिए। अब हम इसको ढक के 40 से 50 मिनट तक कम आंच में पकाएंगे। अब 50 मिनट हो गया, इसको रखें। अब देखिए हमारा छेना पोड़ा बनकर तैयार हो गया। अब ये ठंडा होगा 10 मिनट, फिर हम इससे पॉट से बाहर निकालेंगे। हमें ऐसे करके धीरे से निकाल लेना है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए कट गया और कितना स्पंजी है। ये देखिए हमारा छेना पोड़ा बनकर तैयार हो गया। देखिए बहुत टेस्टी और बहुत बेहतरीन दिख रहा है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों।